हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुणे में जो चैंपियनशिप होने वाली है उसके बारे में। अब पुणे में दो चैंपियनशिप एक ही टाइम पे ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। इस बार 21 से 26 अप्रैल को दो चैंपियनशिप होंगी। एक तो 6th रोलो वर्ल्ड कप जो कि होने जा रहा है, और साथ साथ हमारे होने वाला है ओपन अंडर 17 का नेशनल होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ है कि ये नेशनल फेडरेशन करा रही है या ओपन चैंपियनशिप है ये, तो वो सब क्लियर करूँगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहो। अब यार, सबसे पहली बात आ जाती है कि ये चैंपियनशिप करा कौन रहा है। यार, ये चैंपियनशिप जो अंडर 17 की कैटेगरी की चैंपियनशिप हो रही है, ये करा रही है RSSA, रोलर स्पोर्ट्स एंड सोशल एकेडमी। रोलर स्पोर्ट्स एंड सोशल एकेडमी जो है ये एसोसिएशन बनी हुई है, ये चैंपियनशिप करा रही है RSSA। तो इसके आगे की प्रोसीडिंग कुछ इस तरह की, जो इसकी अभी वो निकल कर आ रही है कि इसमें टोटल 25 बॉयज़ की टीमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और 20 गर्ल्स की टीमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। सपोज़ कि अगर हमारी टीम को खेलना है तो हमें एट अ गिवन टाइम हमें अपनी टीम एंट्रीज़ वगैरह फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। इसकी कुछ फीस स्ट्रक्चर्स होंगे, डिटेल्स होंगी, जो मैं भी आगे आगे आपको बताने वाला हूँ। सर, अभी बात कर लेते हैं कि इस चैंपियनशिप के क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम विटनेस कर सकते हैं रोलर वर्ल्ड कप को लाइव वहाँ पर जाकर, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप रोलर का सबसे बड़ा इवेंट है। तो और अपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, हम इंडिया टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे और बहुत सारी टीम्स आने वाली हैं, हम उनको लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक्स कर सकते हैं एट अ टाइम। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम अवेल कर सकते हैं अंडर 17 के प्लेयर्स के लिए स्पेशली। तो यार, ये तो हो गए बेनिफिट्स उस चैंपियनशिप के। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं कि उस चैंपियनशिप में हमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पूरी टीम एंट्री जो है 30 मार्च से पहले पहले सेंड करनी है। और ये चैंपियनशिप ओपन चैंपियनशिप है, जो फेडरेशन के नेशनल्स होते हैं वो थोड़े सेपरेट रहेंगे। एज ये चैंपियनशिप RSSA करा रहा है, रोलर स्पोर्ट्स एंड सोशल एकेडमी करा रहा है, तो ये चैंपियनशिप ओपन है। हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं आज, चलो आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत भी शोर हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। पहुंच चुके हैं एकेडमी। अब मैं आगे की डिटेल्स बताने वाला हूं आपको उस चैंपियनशिप की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मैं एकेडमी जाकर आपको आगे की डिटेल्स बताऊंगा, तो उसमें आगे कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको वेन्यू पता होना चाहिए कि वेन्यू कौन सा है। तो इसका जो वेन्यू है वो बानेर में है, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट का रोल बॉल का स्टेडियम है वो बानेर में है। वो रोल बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप से थोड़ा सा दूर है। बस ये है कि आप वहाँ से जाकर चैंपियनशिप के मैचेस देख सकते हो। जिस टाइम चैंपियनशिप के वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस होंगे उस टाइम ये वाले मैचेस नहीं हो रहे होंगे, अंडर 17 के मैचेस उस टाइम नहीं हो रहे होंगे, इसीलिए वो 6 दिन का चैंपियनशिप रखा हुआ है, जिससे कि तुम लोग जाके वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस विटनेस कर सको। सीटिंग इस तरह आएगी, जो अकोमोडेशन फूडिंग और मैनेजमेंट है सारा वो रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जो है चैंपियनशिप का जो वेन्यू है ना, चैंपियनशिप का जो 17 का ओपन 17 के चैंपियनशिप का जो वेन्यू है वो है पुणे डिस्ट्रिक्ट का स्टेडियम अलग है, और छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है स्पेशली वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के मैचेस रखने के लिए। तो दोनों स्टेडियम अलग अलग है। और जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मेन टॉपिक है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ के प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो 2007 होना चाहिए, 1/1/2007 बॉर्न होना चाहिए प्लेयर, या उसके बाद का बॉर्न होना चाहिए, तो वो सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। 2006 वालों का इस चैंपियनशिप से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग नहीं खेल पाएंगे। 2007 बॉर्न ही प्लेयर इसमें खेल पाएगा। और बाकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 26 अप्रैल को ही होगा। 26 अप्रैल को मॉर्निंग 11:30 AM से होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यही सब डिटेल्स थी इस टूर्नामेंट से रिगार्डिंग। फास्ट टॉपिक आता है कि इस टूर्नामेंट की फ़ीस कितनी है। अब इस टूर्नामेंट की जो भी फ़ीस रही है वो स्टेट सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज के पास लेटर आ गया, तो वो लोग आपको बता देंगे इसका पूरा फ़ीस अपना ट्रेन का जर्नी वगैरह ऐड करके। अगर फिर भी इस टूर्नामेंट में कोई भी टॉपिक रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे बता दो, जितना मुझे पता है ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।